हेलो फ्रेंड्स और अस्सलाम वालेकुम। जी हाँ दोस्तों, मल्टी मॉनिटरिंग सिस्टम यानी कि एक डीवीआर को आपको अलग अलग मॉनिटर पर देखना है और अलग अलग मॉनिटर पर आपको अलग अलग कैमराज दिखाना है। यानी कि फर्स्ट मॉनिटर पर आपको उस डीवीआर के कुछ कैमराज दिखाना है, सेकेंड मॉनिटर पर कुछ कैमराज दिखाना है और थर्ड मॉनिटर पर कुछ कैमराज दिखाना है। ये हो सकता है आप तीन मॉनिटर लगाएं या चार लगाएं या पाँच लगाएं, जितने चाहे आप मॉनिटर लगाएं, तो उनमें अलग अलग कैमराज को दिखाना है। तो वो कैसे किया जाता है, उसको मल्टी मॉनिटरिंग सिस्टम कहा जाता है। और ये मैं आज बताने वाला फर्स्ट टाइम यूट्यूब पर, आज तक किसी ने भी ये तरीका नहीं बताया होगा। इससे पहले अगर किसी ने तरीका बताया भी होगा तो वो ओल्ड तरीका होगा जिसमें मल्टीप्लेक्सर लगाने की ज़रूरत पड़ती होगी या वीडियो डिस्ट्रीब्यूशन एम्पलीफायर लगाने की ज़रूरत पड़ती होगी। उस तरीके में बहुत ज़्यादा आपको केबलिंग भी करनी पड़ती है और डिवाइसेस भी बहुत ज़्यादा लगाने पड़ते हैं। लेकिन आज मैं आपको जो तरीका बताने वाला हूँ, बिल्कुल एडवांस तरीका है, यूनिक तरीका है और नया तरीका है। तो दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करने से पहले बता दूं कि मैं हूं इस्माइल मनेरी और आप लोग देख रहे हैं मेरा चैनल आई विजन सिस्टम्स। तो अगर आप लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा और साथ ही लेके बेल आइकन पर जाकर ऑल पर भी क्लिक कर दीजिएगा, क्योंकि इसी तरह की इंफॉर्मेटिव वीडियोस मैं अक्सर बनाता हूं। तो देखिए, अगर आपके साइड पर 16 चैनल का या 32 चैनल का एक डीवीआर लगा है, उसको आपको चार मॉनिटर में, तीन मॉनिटर में या पाँच मॉनिटर में मॉनिटरिंग करना है और अलग अलग कैमरे आपको उन मॉनिटर पर असाइन करने हैं। तो आपको जितने मॉनिटर आप लगाएंगे, यानी कि चार मॉनिटर लगाएंगे, तो हर मॉनिटर के पास एक एक आपको NVR लगाना पड़ेगा। जितने कैमराज उस मॉनिटर पर आपको दिखाने हैं, उतने ही चैनल का NVR आपको वहां पर लगाना पड़ेगा। उन सारे NVR को और DVR को सेम ही लैन में आपको कनेक्ट करना होगा और उनको सेम IP रेंज में आपको अलग अलग IP एड्रेस असाइन करना होगा। इसके बाद आपको क्या करना होगा, हर NVR में जितने कैमरे आपको उस मॉनिटर पर दिखाने हैं, DVR के उतने ही कैमरे उस NVR में आपको ऐड करने हैं। यानी कि फर्स्ट NVR में आपको जितने कैमरे दिखाने हैं उतने कैमरे आप उसमें ऐड कर दीजिए, सेकंड NVR में जितने कैमरे दिखाने हैं उतने कैमरे आप उसमें ऐड कर दीजिए, इसी तरह आप करते जाइए। अब NVR में DVR के कैमरे किस तरह ऐड करना है, इसके ऊपर ऑलरेडी मैं दो वीडियोज़ बना चुका हूँ। एक वीडियोज़ तो मैंने बनाई है जो हिकविजन के ऊपर बनाई है, हिकविजन के DVR को लेकर बनाई है, और एक वीडियो मैंने एक semi-wide DVR यानी कि H.264 DVR या एक्टिव पिक्सल DVR, उस DVR पर मैंने एक वीडियो बनाई है। वो वीडियोस आप जाकर देख सकते हैं। वो वीडियोस आप देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि NVR में DVR के कैमरे किस तरह ऐड किए जाते हैं। तो दोस्तों, बिल्कुल ही आसान तरीका है और बिल्कुल एडवांस तरीका है, ज़्यादा केबलिंग की ज़रूरत नहीं है। सिर्फ लैन केबल से आपको हर एक NVR को जोड़ना है और NVR में आपको हार्ड डिस्क लगाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आपको सिर्फ मॉनिटरिंग करना है तो हार्ड डिस्क का भी आपको खर्चा करने की ज़रूरत नहीं है, ये ऑप्शनल है। अगर आपको सेकेंडरी बैकअप रखना है तो आप हर एक NVR में हार्ड डिस्क भी लगा सकते हैं, ताकि अगर एक DVR के हार्ड डिस्क करप्ट हो जाए या उसमें रिकॉर्डिंग ना हो जाए तो सेकेंड NVR में भी आपको उसका बैकअप मिल सके। तो दोस्तों, ये वीडियो आपको कैसी लगी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब कर दीजिएगा और साथ ही लगे बेल आइकन पर जाकर ऑल पर भी क्लिक कर दीजिएगा, ताकि इसी तरह की नई वीडियो मैं अपलोड करूँ तो उसकी नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलती रहे।